हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो बच्चे भाई, ठीक कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो क्लास 10 एनसीईआरटी न्यू एडिशन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, ठीक है? सो आइए सॉल्व करते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। सो यहाँ सिक्स पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? इन जितने भी आपको सिक्स पार्ट है, सिक्स से सिक्स पार्ट से आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो इसका बेसिक जो कंसेप्ट है ना, वो मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है। ऊपर आई टैब पर क्लिक कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी, उसका बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिएगा, ठीक है? वीडियो के एंड में भी मैं आपको लिंक दे दूंगी, वहां से भी देख सकते हैं। सो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग पार्ट वन उठा लेते हैं। पार्ट वन, फर्स्ट, 1/4 और माइनस वन, ये है क्या यार? 1/4 - 1 ये है क्या? चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड आउट करना है। ईच विद द गिवन नंबर मींस ईच पार्ट का फाइंड आउट करना है एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली, ठीक है? तो ये जो आपको गिवन है ना, ये सम ऑफ जीरोस एंड ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली से एक वर्ड क्लियर होता है। अगर आपने मेरे क्वेश्चन पहले भी देखे हैं तो मैंने बेसिक कंसेप्ट ये सब चीज़ें बताई है कि जो भी चीज़ पहले, जो वर्ड पहले बोला गया है, सम पहले बोला गया है, तो जो पहली वैल्यू होगी वो सम ऑफ जीरोस की होगी। प्रोडक्ट पहले बाद में बोला गया है तो जो दूसरी वाली वैल्यू होगी वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगी। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, मान लिया आपने सेकंड वाली वैल्यू को ले लिया सम ऑफ जीरोस, ठीक है, रूट फाइव, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लिया जीरो, तो ये आपको गलत हो जाएगा, ठीक है? जो भी अगर आपको प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली बोलता तो पहली वाली वैल्यू आपकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होती और सेकंड वाली वैल्यू सम ऑफ जीरोस होती। सो बेसिक कांसेप्ट्स ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो आपको सबसे पहले क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है? सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल अल्फा और बीटा दो वैल्यू होती है जिनका सम आपको गिवन है 1/4, ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, इसका मतलब जो आपके जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल है अल्फा बीटा, इनकी वैल्यू कितनी दी है? -1 गिवन है। तो अल्फा बीटा आप जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल आते हैं ना इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है ना अच्छे से। सो उससे जो आपके अल्फा बीटा है उनका सम दिया है 1/4, उनका प्रोडक्ट दिया है -1। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू जीरो, ठीक है? ये एक इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। ये सभी को लर्न होनी चाहिए, ईच पार्ट में आप ये फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, ठीक है? तो वैल्यू को पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 इंटू एक्स प्लस -1 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है? तो 4 क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं, जिसके अकाउंट में कुछ नहीं है, 1 है, 4 एलसीएम आता है, तो 4x² - 1x यानी कि -x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो न्यूमिरेटर में क्या चला जाएगा, 4 इक्वल्स टू 0, 4 के 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी 4x² - x - 4 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन, ठीक है? तो ये पार्ट वन आपका सॉल्व हो जाता है। क्लियर है, समझ आए ना? लाइक नहीं किया वीडियो जल्दी से कीजिए, कमेंट करके बताइए यार कैसे मैम समझ आ रहा है। पार्ट टू सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखते हैं आपको अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अब मैं ये सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ना लिख के डायरेक्ट वैल्यू लेती हूँ। अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया है, रूट टू गिवन है, अल्फा बीटा कितना गिवन है, 1/3 गिवन है, ठीक है? तो अब अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू को पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू जीरो। सो वैल्यू को पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस 1/3 इक्वल्स टू जीरो। 1/3 है, 3 डिनोमिनेटर में आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे 3x² - 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 3 0 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगी तो क्या रह जाएगी, 0 ही रह जाएगा, दैट मींस 3x² - 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नाउ पार्ट 3 हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 0, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू बच्चा कितनी गिवन है आपको, रूट 5। तो आपकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस
रूट फाइव इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि जीरो की एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। सो यही आपकी इक्वेशन होगी। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस है, बिकॉज हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन की कितनी है, टू है। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कभी जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक्स का हो सकता है बट एक्स स्क्वायर का नहीं होना चाहिए। अगर एक्स का है एक्स स्क्वायर का नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, बिकॉज हाईएस्ट डिग्री कितनी है, टू है। ठीक है, पार्ट फोर सॉल्व करते हैं। यहां से बच्चा आपका अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आता है, वन के। अल्फा बीटा किसके इक्वल आता है, ये भी वन के इक्वल आता है। तो हमारी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू जीरो, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एग्जाम में ना फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा लिखेगा, इससे एग्जामिनर पे इफेक्ट पड़ता है और अच्छे मार्क्स आपको अचीव होते हैं। वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स यहाँ से इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। सिक्स पार्ट भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। आई होप ये सब आपको अच्छे समझ आ गया होगा। समझ आया अब तक, वीडियो लाइक नहीं की ना फटाफट से कीजिए, कमेंट कीजिए ये समझ आ रहा है। ठीक है, तो चलिए पार्ट फाइव, माइनस वन अपॉन फोर कोमा वन अपॉन फोर। ठीक है, तो यहाँ से बच्चा आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस वन अपॉन फोर, अल्फा बीटा की वैल्यू वन अपॉन फोर। इक्वेशन क्या है आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वन अपॉन फोर इंटू एक्स प्लस वन अपॉन फोर इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर में फोर है तो एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन एक्स, क्योंकि अकाउंट में तो फोर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। फोर मल्टीप्लाई में जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो में। दैट मीन्स आपकी जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। This is the fifth solution. ठीक है, ना सिक्स पार्ट सॉल्व करते हैं। अच्छे समझ आ रहा है आपको, देख लीजिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू पुट की है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फोर, अल्फा बीटा इक्वल टू वन। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। सो बच्चा वैल्यू पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x plus 1 equals to 0, and this is the equation of sixth part. इस तरीके से part 6 भी हमारा completely solve हो जाता है। समझ आया? Like नहीं की वीडियो जल्दी जल्दी से कीजिए, एंड कमेंट करके जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिए, जिससे कि सबके लिए हेल्पफुल हो। और आई टैब पे जरूर क्लिक करके वीडियो देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सभी वीडियो, वो सभी बेसिक कंसेप्ट आपके लिए। और SST के, साइंस के, कंप्यूटर के, जिसके भी एडिशन के नोट चाहिए चैनल पर अवेलेबल है। प्रिंस एजुकेशन ऐप पर सब चीजें इजिली मिल जाएंगी, जल्दी से जाइए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कीजिए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि CBSE के अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, थैंक यू।